بسم الله الرحمن الرحيم। महतरम नाज़रीन, मैरिड लाइफ और इस्लाम, शादीशुदा ज़िंदगी और इस्लाम, इस हवाले से गुफ्तगू शुरू की गई है। शादी उमूमन क्यों की जाती है, ये एक अहम मसला है। शादी करने की दो वजूहात हैं। एक मुसलमान, एक ईमान वाला जब शादी करता है तो उसकी दो वजूहात। पहली वजह यह है कि शादी एक ज़रूरत है। दूसरी वजह यह है कि शादी करना, निकाह करना एक इबादत है। शादी एक ज़रूरत है, इसलिए शादी की जाती है। शादी एक इबादत है, इसलिए शादी की जाती है। अब अगर हम इसमें और थोड़ी सी तफसील को समझने की कोशिश करें कि शादी ज़रूरी क्यों है, किस एतबार से शादी ज़रूरी है, किस हैसियत से शादी ज़रूरी, तो इसके अंदर दो बातें खुलकर हमारे सामने आती। शादी ज़रूरत है, इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत है। पहले नंबर पर शादी इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत है। ज़ाती ज़रूरत क्यों है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात, मुख्तलिफ किस्म के जज्बात, फीलिंग्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर पैदा फरमाए। उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने उन जज्बात को पूरा करने के लिए हर इंसान को एक जायज़ और हलाल पार्टनर की ज़रूरत होती है। हर मर्द के लिए एक औरत ज़रूरी है, हर औरत के लिए एक मर्द ज़रूरी है। ये इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत है। शादी करना एक ज़रूरत है, इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत। और शादी करना इंसान की ज़रूरत है समाजी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से। एक मर्द मुआशरे में ज़िंदगी गुजारता है, उसे अपने कामकाज के लिए, अपने कामों में तआवुन के लिए, आसानी और सहूलत के लिए, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद के सिलसिले को, अपने नसब को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत की ज़रूरत है। और एक औरत को अपनी इस्मत और इफ़त की हिफाजत के लिए, अपनी पाकदामनी के तहफ्फुज के लिए, खाने पीने की ज़रूरतों को, रहने सहने की, पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है। मर्द के लिए औरत ज़रूरी है, औरत के लिए मर्द ज़रूरी है। मर्द और औरत आपस में मिलते हैं तो निकाह होता है, शादी होती है। इस तरह ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, दो ख़ानदानों का आपस में ताल्लुक होता है। इस एतबार से ये एक समाजी ज़रूरत है। निकाह करना, शादी करना ज़रूरी है, एक ज़रूरत है। इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत भी है और समाजी ज़रूरत भी है। हम एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस मुआशरे की एक रस्म है, उस मुआशरे की, उस सोसाइटी की, उस समाज की एक ज़रूरत है। और शादी की दो हैसियतें हैं। एक, शादी ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर शादी एक इबादत है। शादी इबादत क्यों है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी को, निकाह को अपनी एक निशानी करार दिया है। ये पहला रीज़न, पहली वजह, शादी एक इबादत है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। शादी अल्लाह की निशानी है। शादी इबादत इसलिए है कि शादी अल्लाह की निशानी है, निकाह अल्लाह की निशानी है। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, अल्लाह की एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा फरमाए। तो हम अल्लाह की एक निशानी की हिफाजत कर लें, इसलिए शादी करना एक इबादत है। अल्लाह की निशानी की हिफाजत की जा रही। शादी करना इबादत है। इसकी दूसरी वजह यह है कि शादी करना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। कुरान करीम में फरमाया गया,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, हमने आपसे पहले रसूल भेजे और उनके लिए जोड़े बनाए, औलाद बनाई। अल्लाह पाक ने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में ये बात बयान फरमाई कि उन्होंने शादियां कर रखी थी, उनकी बीवियां थी। और एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउम मिन सुननिर रिजाल, अरबाउम मिन सुननिल अम्बिया, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है, अलहया वस्सिवाक वत्तअत्तुर वन्निकाह, हया करना, मिसवाक करना, इतर लगाना और निकाह करना, ये चार चीज़ें अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। तो शादी अम्बिया का तरीक़ा है, इसलिए इबादत। और शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की इत्तेबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तज़व्वजू, शादी करो, इसलिए कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर फ़ख्र करूँगा, मेरी उम्मत बढ़ेगी, इस उम्मत की तादाद बढ़ेगी, अफराद बढ़ेंगे, तो मैं फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत के अफराद बहुत ज़्यादा हैं। तो शादी करने से हुजूर के उस हुक्म की इत्तेबा होती है, इसलिए शादी इबादत है। और शादी इबादत है, इसकी एक वजह यह है कि शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बड़ी मशहूर रिवायत है, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, शादी इबादत इसलिए भी है। और एक रिवायत में आता है, शादी इबादत है क्योंकि ये अजर व सवाब का बाइस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि आदमी जब अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश की तकमील करता है, अल्लाह पाक उसमें भी उसे सवाब अता फरमाते हैं। लंबी रिवायत है, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इसमें सवाब कैसा, आदमी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर यही ख्वाहिश हराम जगह पर पूरी की जाती तो क्या गुनाह न होता, फरमाया हाँ गुनाह होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये हलाल जगह पर पूरी कर रहा है अपनी ख्वाहिश, तो इस पर सवाब भी मिलेगा। और शादी एक इबादत है क्योंकि अल्लाह की निशानी है, शादी एक इबादत है क्योंकि अम्बिया का तरीक़ा है, शादी एक इबादत है क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की इत्तेबा है, शादी एक इबादत है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, शादी एक इबादत है क्योंकि इसके अंदर अजर व सवाब है। बड़ी तफसील से इसके अंदर हिदायतें मौजूद हैं। तो शादी की दो हैसियतें, शादी करना इसलिए ज़रूरी है या उमूमन इसलिए शादी की जाती है कि शादी ज़रूरत भी है, शादी इबादत भी है।